हाय एवरीवन, मैं अविनाश कुमार। हमने हमेशा से सुना है टाइम इज प्राइसलेस, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। और अभी इस फेज में जिस समय की पूरी दुनिया में से मोर देन 199 कंट्रीज टोटली क्लोज है और लॉकडाउन की स्थिति में लोगों के पास टाइम ही टाइम है। जी हाँ, टाइम, जिसे कि कहा जाता है कि टाइम एकदम प्राइसलेस है। अगर पैसे की तुलना में भी कंपेयर किया जाए ना, तो टाइम की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, बिकॉज टाइम इज इक्वल्स टू मनी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, टाइम इज ग्रेटर देन मनी। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अभी दुबई में था और मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया इंडिया से, और उसने बोला, यार मैं अभी छुट्टी में घर पे हूँ और मैं बहुत बोर हो रहा हूँ यार, करीबन 1 वीक हो गया है और कहीं मैं बाहर नहीं घूम पा रहा, मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ यार, मैं क्या करूँ। तो मैंने उसे कहा, क्या तू रियली में बोर हो रहा है? क्या सच्ची में तेरे को इतना ज्यादा बोरिंग फील हो रहा है? तू अपनी फैमिली के साथ है? उसने बोला, हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। मैंने बोला कि तू शुक्र मना कि तू अपनी फैमिली के साथ है, और फैमिली के साथ तो टाइम एकदम प्राइसलेस है। मतलब तू फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहा है वो एकदम किसी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और आप अभी घर में जिस समय आपको टाइम मिला है, तो टाइम को ठीक तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, कंट्री लॉकडाउन है लेकिन हमारा दिमाग नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी कंट्री लॉकडाउन है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉकडाउन है ड्यू टू कोरोना वायरस, लेकिन आपका दिमाग तो लॉकडाउन नहीं है। आप बहुत सारे न्यूज सुनते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, ऑफकोर्स उसका नेगेटिव इंपैक्ट अपने दिमाग पे ना होने दें। ये जो टाइम है ये वैल्यूएबल है, बहुत ही प्राइसलेस है। हम हमेशा से सोचते आए हैं कि यार काश मेरे पास ये टाइम होता, अगर मेरे पास कुछ टाइम होता ना तो मैं अपनी वो फेवरेट चीज करता, अगर मेरे पास टाइम होता तो शायद से मैं ये करता। अब वो वक्त आ गया है, ये टाइम आ गया है। इससे अच्छा टाइम आपको जिंदगी में नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप हमेशा संडे का इंतजार करते थे, या फिर फ्राइडे का इंतजार करते थे, या सैटरडे का इंतजार करते थे कि मैं वीकेंड्स पे काम करूंगा। लेकिन अब वो टाइम आ गया लॉन्ग वीकेंड का, जिस समय कि आप अपने आप को एनहांस कर सकते हो, आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हो। अगर आपको एक बहुत बड़ी मूर्ति तैयार करनी है ना, जो कि बेमिसाल हो, तो आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और अगर इसके ऊपर वर्क करने का इससे अच्छा टाइम कुछ नहीं है। और हमेशा अफवाहों की तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि रूमर्स की स्पीड 10 times फास्टर होती है रियलिटी से। जी हाँ, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना वायरस इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है कि लोग रूमर्स पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं कि ऐसा भी है वैसा भी है, लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया है। पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। मॉर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है, नियर अबाउट 1% है, और ये ओल्ड एजेस में 4% या 10% तक जाता है, लेकिन आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपना दिमाग खुला रखना है, अपने दिमाग से कई सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो कि बहुत ही इफिशियंट है और जो कि आपकी फेवरेट है। आप बुक्स को रीड कर सकते हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है किसी भी फील्ड में, जी हाँ, एक्स नंबर ऑफ फील्ड, या फिर आप कोई भी फील्ड में हो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप बुक्स रीड करेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। और दुनिया के कितने भी बड़े एग्जांपल ले लें, चाहे मार्क जुकरबर्ग का, या फिर तो इलॉन मस्क का, चाहे आप कोई भी बड़े एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल ले लें, वो हमेशा इस टाइम बुक्स को रीड जरूर कर रहे होंगे, नॉलेज गेन जरूर कर रहे होंगे। तो बुक्स को रीड करके नॉलेज गेन करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि नॉलेज गेन करके किसी भी फील्ड में एनहेंस किया जा सकता है, और आप अपने आप को निखारने का बहुत अच्छा वक्त है। आप अपने कोई ना कोई फेवरेट गेम्स खेल सकते हैं जो कि इंडोर गेम्स है। ऑफ कोर्स आपको बाहर नहीं निकलना है, गवर्नमेंट के रूल्स का टोटल पालन करना है। आप अपनी हॉबीज को उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग हॉबी है, अगर आपकी मोटिवेशन स्पीकिंग हॉबी है, अगर आपको वीडियोस बनाना हॉबी है, अगर आपकी कुछ और करना हॉबी है, आप उसे एनहेंस करिए, घर में उसके ऊपर वर्क करिए, और ऑफ कोर्स एक नया चेहरा निकल करके आएगा। इस समय जरूरी है कि आप अपने आप को टाइम दें। अपने आप को टाइम देना मतलब कि क्या, हम लोग दुनिया भर के फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, सोशल चलते हैं, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि खुद का वक्त देना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि अब हमें एक वर्चुअल रियलिटी, जो कि हम लोग इस चीज के ऊपर बिलीव करते थे कि हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब एट दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम अभी हम लोग घर पे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम बाहर लोगों से मिलें। पर अभी टाइम आ गया है कि अभी खुद के अंदर झांक करके देखें, खुद को एक वक्त दें, और खुद को सोचें कि क्या मेरी जो जिंदगी एक फ्लो में चल रही है, क्या सही डायरेक्शन में चल रही है, इसके ऊपर मुझे वर्क करने की जरूरत है। और अभी वो वर्क करने का टाइम है, आप उसे अभी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये तो टाइम की बस बर्बादी है क्योंकि मैं घर में बैठा हूं। जी नहीं, देयर इज नो वेस्ट ऑफ टाइम। आप अगर इस टाइम पे घर में नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं ना, या यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, आप अपने आप को संभलने का मौका दे रहे हैं। ये इसमें कोई गलत नहीं है कि आप टाइम में हर चीज को ना करें। कुछ लोग कहते हैं, यार मेरा टाइम प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, यार मैं अपने टाइम में कुछ कर नहीं रहा, मेरा आज का पूरा दिन निकल गया। नो प्रॉब्लम, दैट इज फाइन। अगर आप पूरा दिन नेटफ्लिक्स देख करके निकाल देते हैं, दैट इज फाइन, आपने अपने आप को टाइम दिया। आप कुछ टाइम के बाद अपने वर्क के ऊपर चुकिए। तो इस टाइम को आप ये मत समझिए कि टाइम बर्बाद है, ये टाइम एक प्रोडक्टिविटी का टाइम है, जिसे कि आप अपनी फैमिली के साथ, जो कि प्राइसलेस है, जी हाँ प्राइसलेस है, जो कि पूरी दुनिया लड़ती है कि यार फैमिली के साथ रहें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी आपको वक्त मिला, आप इस चीज को इन्वेस्ट करिए। और हाँ, अपने दिमाग को रूमर्स फैलाने से बचाइए और एकदम रियलिटी पे बिलीव करिए। और जितनी सारी चीजें हैं, हमेशा सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ।
घर रहो जिंदा रहो, जो कि हैशटैग भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कोरोना वायरस से बचने के लिए उनकी अफवाहों से नहीं, रियलिटी पे ध्यान दें और अपने दिमाग को खुला रखें। ये दिमाग एक पैरासूट की तरह है, तभी वर्क करता है जिस समय कि वो खुला रहता है। तो इसलिए हमेशा इसको खुला रखें, हमेशा इसे आगे बढ़ने दें और देखिए किस तरीके से आप बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। पैनिक क्रिएट ना करें, अपने आप को तसल्ली दें, फैमिली का ध्यान रखें और ऑफकोर्स हाइजीन का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ एक लेसन सीखने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 3 वीडियोस भी जरूर देख सकते हैं मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहने के लिए। यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे ब्लॉग चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अभी स्पार्क्स।